For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान खान और कटरीना कैफ की जोड़ी वाकई में काफी फेमस है और जब भी उनकी कोई फिल्म रिलीज होती है फैंस इन दोनों को एक साथ देखकर काफी खुश होते हैं। सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि इवेंट्स पर भी इन दोनों के आने से कमाल हो जाता है। कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि IPL 2019 की ही तरह बी टाउन के टाइगर अपनी टाइगर्स के साथ बांग्लादेश प्रीमियर लीग T20 के ओपनिंग सेरेमनी पर भी परफॉर्म करने वाले हैं और इस परफॉर्मेंस को लेकर सभी फैंस के मन में काफी एक्साइटमेंट था। पर आखिर वो दिन आ ही गया और इस हॉट जोड़ी ने अपनी एंट्री से ही सभी का दिल जीत लिया। जी हाँ, सलमान और कैट ने अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है के गाने स्वैग से करेंगे सबका स्वागत पर एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देते हुए स्टेज पर एंट्री की और उनकी इस रॉकिंग एंट्री से वहाँ बैठी ऑडियंस के एक्साइटमेंट पीक पर जा पहुँची। तालियों की गूंज और सीटियों की आवाज पूरे स्टेज पर गूंज उठी और उसे देख कर हमें इस हॉट जोड़ी की पॉपुलैरिटी का सबूत एक बार फिर से मिल गया। इस रॉकिंग परफॉर्मेंस की क्लिप्स अब वायरल हो चुकी है जहाँ सल्लू और कटरीना की परफॉर्मेंस को सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं। भाई हमें तो सल्लू और कैट कि ये दमदार एंट्री काफी इंप्रेसिव लगी और आपको नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। कपिल शर्मा शो में सलमान खान फुल्ली बदनाम होते नजर आए हैं। जी हाँ, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहा। कपिल शर्मा शो में ऑफ कोर्स हर स्टार अपनी फिल्म को प्रमोट करने आते हैं, फिल्म का प्रमोशंस होता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कपिल शर्मा शो की तो ऑफ कोर्स सलमान खान का आना तो बनता है क्योंकि उन्हीं का प्रोडक्शन हाउस है, सलमान खान ही प्रोड्यूस कर रहे हैं कपिल शर्मा शो को। और ऐसे में दबंग 3 का प्रमोशन ना हो ये तो नहीं हो सकता। अब जब दबंग 3 का प्रमोशन था ऐसे में सलमान खान जो है वो मुन्ना बदनाम में डांस करते हुए एंट्री करते हुए नजर आए और स्वैग से स्वागत हुआ उनका क्योंकि अब सलमान खान आइटम बॉय बनकर हम सबके सामने आए हैं, यानी कि मुन्ना बदनाम हुआ है इस बार। मुन्नी बदनाम का तोड़ है मुन्ना बदनाम और प्रभुदेवा भी इसमें फेस ऑफ करते नजर आए सलमान के साथ। तो सलमान की जो एंट्री है ये टेलीविजन पर कपिल शर्मा शो में देखने लायक एंट्री होगी और उससे भी ज्यादा मजा तब आएगा जब सलमान खान कपिल शर्मा शो में आएंगे और साथ ही साथ कपिल, सलमान, प्रभुदेवा सर, सई, सोनाक्षी, किच्चा सुदीप, ये सारे लोग, अगर आपने नोटिस किया हो तो सबका नाम एस से है, सारे एक्टर्स का, सुदीप, सलमान, सई, सोनाक्षी, सो ये सारे लोग एक साथ नजर आने वाले हैं कपिल शर्मा शो में। कितना एक्साइटमेंट है ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूँ ज्योति नाहा, साइनिंग ऑफ। पिछले कई दिनों से ये चर्चा हो रही है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग T20 की ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी के लिए सलमान खान और कटरीना कैफ को ओपन किया गया है। ये T20 काफी खास है क्योंकि ये बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन शेख मुजबुर रहमान के सेंटेनरी बर्थ सेलिब्रेशन का हिस्सा है। अब इतने खास मौके पर जब बांग्लादेश T20 के ऑर्गेनाइजर्स ने बी टाउन के टाइगर और उनकी टाइगर्स को चुना तो ये हमारे देश के लिए काफी सम्मान की बात थी और सलमान खान और कटरीना कैफ अपने बिजी स्केड्यूल के चलते भी इस ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए राजी हो गए और माय 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 स्टेज पर इन दोनों सुपरस्टार्स की एंट्री से ही धमाका सा हो गया। टाइगर जिंदा है फिल्म के सुपर हिट गाने स्वैग से करेंगे सबका स्वागत गाने पर डांस करते हुए इन दोनों ने स्टेज पर रखा और ऑडियंस उनकी इस रॉकिंग एंट्री से काफी इम्प्रेस हुई। परफॉर्मेंस के बाद ये दोनों स्टार्स बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मिले और उन्होंने उनके साथ पिक्चर्स भी क्लिक किए और अब ये पिक्चर्स वायरल हो चुकी हैं। वेल, हम तो सलमान खान और कटरीना कैफ को बांग्लादेश के PM के साथ पोज करता देखकर काफी प्राउड फील कर रहे हैं और आप? सर यहाँ पे देखिए ना, भाई जान।
डायरेक्टर मुदस्सर अजीज की फिल्म बहुत ही ज्यादा लजीज लग रही है लोगों को, यानी कि पति पत्नी और वो। यस, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। मैंने कहा था आपको फर्स्ट डे फिल्म ने 9.10 करोड़ का बिजनेस किया था। फिल्म रिलीज हुई थी 6th ऑफ दिसंबर को। अब आज हो गया है वीकेंड, फ्राइडे को फिल्म आई थी, वीकेंड जा चुका है, आज मंडे है और मंडे आते ही पता चल जाता है कि फिल्म ने वीकेंड पर कैसा स्कोप हासिल किया है। क्योंकि ऑफकोर्स वीकेंड आता है तो लोग अपने घर परिवार के साथ जाते हैं फिल्म देखने। ऐसे में पति पत्नी और वो डायरेक्टेड बाय मुदस्सर अजीज, कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे, भूमि पेडनेकर, स्ट्रॉन्ग हेडेड फिल्म है, काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है, स्ट्रॉन्गली एंटरटेनिंग फिल्म है ये। और इस फिल्म ने डेफिनेटली फ्राइडे को 9.10 करोड़ का बिजनेस करते हुए सैटरडे को एक लंबी छलांग मारी और ये फिल्म सीधा पहुंच गई 12.33 करोड़ का। इस फिल्म ने सैटरडे के दिन बिजनेस किया है और ये है सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेस। जी हाँ, मैं डोमेस्टिक बिजनेस की बात करूँ यानी सिर्फ इंडियन कलेक्शन की। उसके बाद सैटरडे को 12.33 के बाद ये फिल्म एक और लंबी छलांग मारते हुए पहुंच जाती है सीधा 14 करोड़ पे। जी हाँ, यानी कि लगभग 13.5 टू 14 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म ने संडे के दिन किया है। तो टोटल अगर मैं मंडे की बात करूं, मंडे मॉर्निंग तक इस फिल्म का कलेक्शन हो चुका था 34 करोड़ रुपीस। यस, महज कुछ ही करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म जो है 34 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। इंडियन कलेक्शन है, डोमेस्टिक कलेक्शन है महज वीकेंड में, यानी कि लगभग आज मंडे को इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी जो है वो 50% ऑक्यूपेंसी है क्योंकि वीकडे है ऑफकोर्स। तो ये फिल्म शाम तक लगभग आप पकड़ लीजिए कि 9 से 10 करोड़ का बिजनेस कर लेगी, यानी कि ट्यूसडे आते आते तक ये फिल्म 50 करोड़ तक कमा लेगी। अब आपका क्या कहना है इस चीज़ पर? आपने अभी तक फिल्म देखी या नहीं देखी? नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए, ज़रूर देखिए और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और क्या क्या जानना चाहते हैं बाकी की फिल्मों के बारे में या फिर पति पत्नी और वो के बारे में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। हेलो गाइस, दिस इज ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। वेल, मर्दानी 2 का प्रमोशन जोरों शोरों से शुरू हो चुका है बिग बॉस के घर में। यस, वेल वीकेंड का वार पर हर बार सेलिब्रिटीज आते हैं प्रमोट करने के लिए अपनी फिल्म्स को और ऐसे में हमने देखने को मिलती है रानी मुखर्जी। जी हाँ, रानी मुखर्जी नजर आई है बिग बॉस के घर में वीकेंड का वार पर। सलमान और रानी कितने अच्छे दोस्त हैं ये हम सभी जानते हैं। ऐसे में मर्दानी 2 को प्रमोट करने रानी नजर आई है बिग बॉस के घर में, जहाँ पर सलमान से काफी बातें तो करती ही है वो, साथ ही साथ पुरानी यादें भी ताजा करती हैं जब वो हिचकी के टाइम पर यू नो प्रमोट करने आई थी फिल्म को। और उसके साथ साथ सलमान के साथ काफी गेम्स भी खेलती हैं रानी, जिसमें से एक गेम होता है यू नो सरनेम गेम, जहां पर बोर्ड जो है वो सर के ऊपर रखा होगा और आपको गेस करना है कि क्या लिखा हुआ है। तो तमाम गेम्स खेलते नजर आए रानी और सलमान। और उसके साथ साथ ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि हमें रानी मुखर्जी घर के अंदर जाती हुई दिखती है या नहीं और घर वालों के साथ यानी कंटेस्टेंट्स के साथ क्या गेम्स खेलती हैं रानी, ये वीकेंड का वार पर पता चलेगा। वेल, आज का वीकेंड का वार बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक, बहुत फुल ऑफ सस्पेंस, फुल ऑफ सरप्राइजेस, फुल ऑफ शॉक्स होने वाला है। बिकॉज ऑफकोर्स घर के अंदर तो बॉम्ब फूटने ही वाला है, दबंग 3 की टीम आने वाली है, मर्दानी की टीम आने वाली है, तो भर भर की एंटरटेनमेंट है। आप कितना एक्साइटेड हो वीकेंड का वार के लिए ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूं ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। दबंग 3 से पहले देखने को मिलेगी स्ट्रीट डांसर 3D। शॉक्ड? 3D नहीं नहीं वो 3 भी अपनी जगह सही है और ये 3D अपनी जगह सही है, यानी कि स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म जो है ये हमें देखने को मिलेगा, इसका ट्रेलर हमें देखने को मिलेगा दबंग 3 शुरू होने से पहले। यस, यानी कि इसके ट्रेलर को अटैच किया जाने वाला है दबंग 3 के फिल्म के साथ। वेल, ये खबर हाल ही में आई है क्योंकि ऑफकोर्स हम सभी जानते हैं कि रेमो डिसूजा, प्रभु देवा कितने अच्छे दोस्त हैं और साथ ही साथ वरुण धवन और सलमान खान की भी बॉन्डिंग बेहद करीब है, बेहद क्लोज है एक दूसरे के। ऐसे में इस बात की श्योरिटी दी जा रही है। पहले र्यूमर्स थे कि यू नो स्ट्रीट डांसर 3D का ट्रेलर जो है वो काफ़ी जल्दी आने वाला है, लेकिन अब इसकी डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये जो ट्रेलर है स्ट्रीट डांसर 3D का, जो कि रेमो डिसूजा डायरेक्ट कर रहे हैं, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, नौरा फतेही इस फिल्म में एज एन एक्टर नजर आने वाले हैं, लीड एक्टर्स, और फुल ऑन यू नो धमाकेदार फिल्म होने वाली है, फुल ऑफ डांस, फुल ऑफ रोमांस, फुल ऑफ एक्शन होने वाली है ये फिल्म। ऐसे में फुल ऑफ कंटेंट, गुड कंटेंट। ऐसे में इस फिल्म के ट्रेलर को दिखाया जाएगा 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को ट्रेलर इस फिल्म का रिलीज किया जाएगा और इसको अटैच किया जाएगा दबंग 3, जो कि 20 दिसंबर को रिलीज हो रही है दबंग 3 के प्रिंट के साथ। अब यानी कि जब आप दबंग 3 देखने पहुंचेंगे तो पहले आप देखेंगे स्ट्रीट डांसर 3D का ट्रेलर। वेल, ये किसी
यू नो बड़ी खबर से कम नहीं है, क्योंकि जब भी सलमान की फिल्म आती है ऑफकोर्स हर कोई जानता है कि ऑडियंस लेवल उसका मास हो जाता है। ऐसे में ये भी देखना सुपर एक्साइटिंग होगा कि किस तरीके से स्ट्रीट डांसर 3D का जो ट्रेलर है वो यहाँ अटैच किया गया है, और हम डेफिनेटली स्ट्रीट डांसर 3D के कास्ट एंड क्रू को, उनको देख सकते हैं दबंग 3 को प्रमोट करते हुए। तो आपका क्या कहना है इस चीज़ पर कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइएगा, एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूँ ज्योति नाहा, साइनिंग ऑफ।